بسم الله الرحمن الرحيم. आज इस खलीफे से पूछो क्यों नहीं बता रहा हमें, ये पूछो उसे कि अगर वो बंदा झूठा है तुम्हारे इल्म में तो क्यों नहीं उसका मुकाबला करते जाके। क्या झूठे छुपे करते हैं या सादक छुपा करता है? इनसे पूछो, खलीफों से, अपने उलमा से ही पूछो। वो बंदा तो मैदान में खड़ा होकर तुम्हें ललकार रहा है और तुम उसका अखराज मुकाते और उसके साथियों का अखराज मुकाते करते फिर रहे हो। ये मुकाबला है? ये काम आसम के मुखालफिन ने किए थे कि आसम ने किए थे? हजरत मिर्ज़ा साहब के मुखालफिन ने किए थे या हजरत मिर्ज़ा साहब ने किए थे? चुनाचा आपके दावा मुस्लिम मौत के 10 साल के मुख्तसर अरसे में आप आयत लौ तकव्वल आलाना का शिकार होकर 11 साल 8 माह की जिल्लत अमेज़ ज़िंदगी गुजार कर अपने दावा मुस्लिम मौत के 21 साल 8 माह के बाद इस दुनिया से रुखसत हो गए। इस तरह आप अपने दावा के बाद 23 बरस की मुद्दत तक जिंदा न रहे और इस तरह कुरान ने भी आपके दावा मुस्लिम मौत को झूठा और आपको मुफ्तरी अल्लाह साबित कर दिया। खस खस जिन्ना कदर नहीं मेरा, साहिब नू वड़ियाईयां, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा, मैनू महल चढ़ाया साइयां। मैं आज इस एड्रेस में लोगों को, आप सबको कहता हूँ, अफराद जमाती अमी को कहता हूँ कि इस जंग को ख़त्म करो, आ जाओ बात कर लो, वरना तुम लोग नाकाम और नामराद हो मेरे आगे, क्योंकि मुझे मसीह पाक की दुआ ने महल पर बिठा दिया है। तुम लोग मुझे गिरा नहीं सकते। याद रखें, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी तहरीरात में कहीं भी नहीं फरमाया कि मेरे बाद इंतखाबी खिलाफत क़याम तक चलेगी। क्योंकि मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह ने मुझे इसमें लगा दिया है कि इन लोगों को खोल खोल के बता दे। मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ, मैं इससे कुछ नहीं लेने देने वाला, ना मुझे किसी हुकूमतों का या खलीफे बनने का शौक है। मैं तो आपकी हमदर्दी कर रहा हूँ और जिस मुसीबत में तुम्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जिसकी डाल के तुम्हारी आखिर तबाह कर दी गई है, मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूँ कि बच जाओ मेरे बंदो। सोचो, गौर करो कि तुम्हें कहाँ तुम चले गए हो, तुम्हें किस गुमराही में डाल दिया गया है। और तुम्हें याद रहे कि हर एक की शिनाख्त उसके वक्त में होती है और कबल अज वक्त मुमकिन है वो मामूली इंसान दिखाई दे। अब खलीफा सानी के ऊपर आप ये फिट नहीं कर सकते, ना तो वो कबल अज वक्त मामूली इंसान थे ना वो हो सकते हैं। एक नबी का बेटा मामूली इंसान कभी नहीं होता। अल्लाह से डरें, किसी बंदों से ना डरें, किसी बंदे को तुमने जान नहीं देनी, तुमने अकेले जाना है अल्लाह के पास। तुम्हारा ईमान और तुम्हारे आमाल तुम्हारा सरमाया है जिसके नतीजे में आपने अल्लाह की रजा पानी है या अल्लाह की सजा पानी है।